नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को एक सम्मान अधिकार देने के उद्देश्य से विधानसभा में सम्मान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया गया। ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश होगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड पहला राज्य देश का बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। आपको बता दें कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जो है उत्तराखंड में लागू होगा। इसका ड्राफ्ट भी पास हो चुका है और इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री धामी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उत्तराखंड विधानसभा के सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदे को रखा जाएगा। राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि विधानसभा में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता यूसीसी को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा की जाएगी। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से अपील की है कि वे पहले यूसीसी के मसौदे को सदन में पेश होने दें और उसके रिपोर्ट को पढ़कर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। उन्होंने यूसीसी पर भ्रम फैलाने से बचने को कहा है। इससे पहले आज विधानसभा सत्र के पहले दिन निधन प्रस्ताव पर विधानसभा के पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सत्र कल पूर्वाह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा कि यूसीसी उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल 6 तारीख को जो विधानसभा सत्र शुरू होगा, उससे पहले जो आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि कल हम लोग यूसीसी के विधेयक को ले करेंगे और साथ में जो आंदोलनकारियों वाला जो क्षैतिज आरक्षण का प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद यूसीसी पे हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। ऐसा सुबह ही आ जाएगा, सुबह ही टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, यूसीसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं और उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उस पर अच्छा खासा डिबेट हो, डाइल्यूट ना हो। सारे चाहे वो क्वेश्चन आर हो, चाहे कार्यस्थगन की बात हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विधायकों के लिए बहुत जरूरी होते हैं कि वो अपनी बातों को सदन पे रखें। लेकिन ये कहते हुए भी मैं कह रही हूँ कि यूसीसी भी एक इस देश के लिए एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में, उत्तराखंड को गर्व है, गौरव है कि हम पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे देश पढ़ेगा, देखेगा और फिर देश में आएगा। सो शायद उस लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल अगर हम यूसीसी पे कॉन्सेंट्रेट करें और यूसीसी को लेकर सदन में आए तो वो एक अच्छा निर्णय है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र आगामी 8 फरवरी तक चलेगा और सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। देखिए, कार्य मंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है, देखिए ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज नहीं आई। उन्होंने जरूर वो उठे वहां से
लेकिन अभी इस तरह की चीज मेरे पास नहीं आई। मैम क्या क्वेश्चन होगा इस दौरान? नहीं होगा। देखिए ऐसा है, यूसीसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे युग दृष्टा हैं, भविष्य को देखने वाले हैं, देश के हरेक जनगण मन की वो चिंता करते हैं और आगे आकर मनिहालों के कर्णधारों के नौजवानों के युवाओं के या प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां इस नकल के कारण आती हैं वो भली भांति जानते हैं और वो वह सब काम करते हैं जो देश को जिसकी जरूरत होती है। इस नकल विरोधी कानून की भी देश को जरूरत है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रही है। कार्य मंत्रालय की बैठक आहूत की और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र को जो सत्र अवसान करती और सत्र अवसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और 25 जनवरी 2024 को विधानसभा के सचिव विधानसभा आपसे एक बात कही कि कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा सत्र के दौरान आवश्यक होती है। अगले दिन जो कार्यसूची होती है कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। यदि आपको याद हो जब यूसीसी का विषय भी आपने एक बार फिर से पूछा तब भी मैं यही कहा था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग तय करेंगे किस दिन हम यूसीसी लाएंगे। लेकिन ये भी हमने कहा था कि हम 6 तारीख को लाने का प्रयास करेंगे, कार्य मंत्रणा समिति की 5 तारीख को बैठक करेंगे। आज हमने बैठक की, उसमें हमने कल के लिए एजेंडा तय किया है, तो इसमें कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विपक्ष है ना तो उसके पास कोई मुद्दा है। और देखिए कार्य मंत्रणा समिति की जो आज बैठक हुई है और ये जो विधानसभा का सत्र है सत्रावसान नहीं हुआ है और ये कोई स्पेशल सेशन है, लेकिन सरकार की मंशा सरकार की नियत साफ जाहिर हो रही है और यह जो कार्य संचालन नियमावली है जो कांग्रेस की जो कार्य संचालन नियमावली है जो संताएं हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसको सरकार संख्या बल के बलबूते पर आधार पर दबाना चाहती है और कल इनका सरकार की ओर से सरकार का पक्ष है संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों राजभवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमित सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि 5 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के विशेष सत्र पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नियमों और परंपराओं की धज्जी उड़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कार्य मंत्रणा समिति में यह बात रखी गई है कि अगर विपक्ष के विधायक सदन में बात नहीं रख सकेंगे तो कहां रखेंगे, जिससे यह पता चलता है कि सरकार प्रश्नकाल और कार्यस्तंभ प्रस्ताव को समाप्त करना चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियमों और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है और जिस तरह से आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैंने और माननीय प्रीतम सिंह जी ने अपना पक्ष रखा कि जो हमारे माननीय विधायक हैं वह अपनी बात को सदन में नहीं रखेंगे तो वो कहाँ अपनी बात को रख पाएंगे।
ये प्रश्नकाल को समाप्त करना चाहते हैं, कार्यस्थगन प्रस्ताव को समाप्त करना चाहते हैं और यहाँ तक कि 25 जनवरी का मैं इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया विधानसभा सचिव विधानसभा ने, उसमें कार्यस्थगन के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और मीडिया चेयरमैन रहे पीके अग्रवाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीके अग्रवाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल पहले भी बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं। वहीं उनके नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य दलों से भारी तादाद में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण की, जिसके चलते पूरा बीजेपी कार्यालय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी का चुनाव रथ केंद्र सरकार की हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है और हम भारी बहुमत से उत्तराखंड में 500 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जितना जो कार्यकर्ता है उनमें 0.1% आदमी टिकट की सोचता है, 99.9% जो आदमी है वो या तो देश के प्रति सोचता है, समाज के प्रति सोचता है या विचारधारा से जुड़ता है। तो इसमें टिकट का कोई मामला नहीं, या हाईकमान करता है जिस पार्टी में रहते हैं वो डिसाइड करता है। ठीक है, लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया है और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, आनंद किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। दो दिन के ही हमने समय दिया था, बड़ी संख्या में आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रति जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड के अंदर हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है, हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। सर क्या आप कांग्रेस का, लक्ष्मी जी उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेक दलों के लोगों ने पार्टी से हिस्सा लिया। देखिए आज मेरी भाजपा में वापसी हुई है और निश्चित रूप से ये समय, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश का और देश का जो माहौल है प्रभु श्री राममय है और कोई भी उनसे अछूता नहीं है, तो हर एक भावना होती है, तो मुझे ये सही समय लगा कि इस समय जो भाजपा का वो है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो हमने डिसीजन लिया। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दिनेश धने टिहरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं उनके सदस्यता ग्रहण करते ही पूरे बीजेपी कार्यालय में जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे, जिसके साथ अन्य लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा। इस बीच दिनेश धने ने कहा है कि उनके किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं रहने का नुकसान दो बार उठाना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सलाह का सम्मान करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण से मेरे कार्यकर्ता भी और जो मेरे जनपद के लोग हैं वो भी प्रभावित हैं और उनकी सलाह पहले भी थी कि आपको किसी राजनीतिक दल में रहना चाहिए और उसका नुकसान दो बार मुझे को उठाना पड़ा और कार्यकर्ता तब भी खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को पहले नहीं मानी और इस समय उनकी बात का सम्मान करते हुए उनकी जो सलाह थी उसको मानते हुए जो राष्ट्रीय जो मुख्य धारा में शामिल होने का हमने निर्णय लिया, इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस बात पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह है, जिन्होंने भारत को मंदी की हालत से निकाल
देखिए मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर उनको दिया गया भारत रत्न, उनका योगदान है देश की राजनीति में, लेकिन उनसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में जब देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त देश को उबारने का काम एक वित्त मंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। बातें कम और काम ज्यादा का एक नायाब उदाहरण अगर कोई है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने दो बार उनके प्रधानमंत्रित्व काल में दो बार पूरी दुनिया रिसेशन में गई, मंदी में गई, लेकिन भारत को उन्होंने मंदी से बचाए रखा। ऐसा जिस वक्त हमने सत्ता छोड़ी 2014 में, उस वक्त 8% की दर से हमारी ग्रोथ हो रही थी, आज वो गिरकर 5.25 है। तो ऐसे में कैसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे, कैसे हम 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, ये एक दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है। तो अगर आडवाणी जी को मिला स्वागत है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद एमटी एमएलए कोर्ट से बरी हुए। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। वे राम मंदिर आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। काशी मथुरा में धार्मिक स्थलों के विवाद पर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद हल कर लेना चाहिए। भारत के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए उन्हें खुद को आक्रांताओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए आपको एक बात बताएं, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भालू बांदर थे, जो लोग अयोध्या के लोगों को, मथुरा और काशी के लोगों को उम्मीद हुई कि अब उद्धार हो सकता है, क्योंकि सन 1947 से लेकर 50 तक जब तक देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, जहां से ये देश का जन सामान्य प्रेरणा ग्रहण करता था, वो मुख्य रूप से थे अयोध्या मथुरा काशी में, और इस देश का आम आदमी खाली वो सत्ता से इतना प्रभावित नहीं होता। राम काज देखिए आपको एक बात बताएं, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भालू बांदर थे, हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर ने स्वराज आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस युवाओं के बीच जा रही है। 7 फरवरी को हल्द्वानी के मधुबन बैंकेट हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुमाऊं से अग्निवीर भर्ती से छले युवा कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान से वार्ता करेंगे और अपने विचारों को स्पष्ट रखेंगे। और अगर मैं अपने राज्य की बात करूं तो पहाड़ भर के युवा इसमें सहभागिता करेंगे, और जिस तरीके से मोदी जी युवाओं को अपने मन की बात सुनाते हैं, उसके बजाय हम लोग युवाओं के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। जिस तरीके से युवाओं के साथ लगातार उत्पीड़न देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग बुगुल बजा रहे हैं और लगातार युवाओं के हित में हम लोग लगातार लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई, उस दिन से कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के युवाओं के साथ है। हमने उस दिन भी विरोध किया था, हम आज भी विरोध करते हैं, और हमने ये वादा भी किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के जय जवान एक मुहिम भी लॉन्च करी है, और इसी मुहिम के तहत एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को जानने के लिए हमारे खड़गे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर है गुरदीप सप्पल जी, और जो रोहित चौधरी जी जो एक्स सर्विसमैन कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो यहां पर आ रहे हैं। और हमारी योजना है कि हम जो युवाओं के दर्द है, इनके दर्द को हमने पहले भी समझा था, इनके दर्द को कैसे हम लोगों के बीच में रख सकें और कैसे इनकी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ सकें, इस चर्चा के लिए हम लोगों ने परसों 1-7 तारीख को यहां हल्द्वानी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। चक्राता त्यूणी मोटर मार्ग पर भारी बर्फबारी के चलते मार्ग बाधित हो गया है। आपको बता दें कि पर्यटकों के 6 से 7 वाहन फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मार्ग का रुख किया, लेकिन सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से उन्हें पैदल ही लंबा रास्ता तय करना पड़ा।
पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है, तो बदले मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ नजारा चकराता और उसके आसपास की ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों का भी है, जहां एक और चकराता में बर्फबारी का नजारा कम ही देखने को मिल रहा है। मगर चकराता के पास ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी, बुधेर, देवदत्त और सवाई डांडा आदि क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर पर्यटकों के आने का क्रम लगातार जारी है, जिससे होटल व्यवसायों के साथ ही उनसे जुड़े लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। तो वहीं बर्फबारी का मजा लेते हुए पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं, जिनका कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें ये नजारा देखने को मिला है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा, हम लोगों का फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस था, और जिस वेदर के लिए हम आए थे स्नो को देखने के लिए, बिल्कुल उससे बढ़ के मिला है हमें लोखंडी में। लोखंडी इज फीलिंग लाइक वी आर समवेयर इन यूरोप, बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आ रही है। ओके, बाकी मैडम बता सकती है। सच में बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मेरे ख्याल से हमने नियर बाई 10 ईयर पहले US में जो स्नोफॉल देखा था, उसके बाद जो वहाँ वाला हम कंपैरिजन यहाँ से करके देखे, तो सेम आई थिंक उससे कुछ प्लस ही मिल रहा है हमें। ओके, बहुत बढ़िया मजा आ गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां थाने में युवती के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की और जांच में पता चला कि मामला कुछ और ही है। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद केवल छेड़खानी का मामला सामने आया, लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक गैंगरेप का FIR रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की, और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है, और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें आगे की योजना की जा रही है। देखिए, पीड़िता के द्वारा जो प्रारंभिक बयान दिए गए, बाद में जो पूछताछ है उसमें उसने कहा कि मैं डर गई थी और डर के कारण मैंने गलती से जो है रेप होना बताया गया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उस आदमी को रेप नहीं हुआ। पौड़ी जिले में 24 घंटे के भीतर गुदार ने 2 लोगों को शिकार बना लिया, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संवेदना व्यक्त की है। गणेश गोदियाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। गुलदार मानवीय बस्तियों में घुसकर हमलावर हो रहा है, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। बनाने के लिए जरूर यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का घर का चिराग बुझा है और वो वन विभाग की लापरवाही के कारण बुझा है। वन विभाग को इसकी पूरी सूचना है, और पहले भी बाघ यहाँ पर देखा गया तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि हमने कल रात भी जब मैंने वन विभाग मैंने बच्चों को बाघ से छुड़ाया और बाघ के उसके बाद उसको अस्पताल में पहुंचाया, उसके बाद भी 2 घंटे बाद यहाँ पर वनाधिकारी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वन विभाग को अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए, और खासकर ऐसे माहौल में जिस माहौल में बच्चे इस तरह से घूमते फिरते हैं और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग को सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अपने अधिकारी और कर्मचारियों को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोहराने न पाए। देखिए, मदद की बहुत जरूरी है, और मदद यही मानवता का परिचय देना भी चाहिए समाज को, जिस प्रकार से एक गरीब परिवार का एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति के माहौल हो रखा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, लोगों का घर देखे, पर बेचारों के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो, वो माँ के उसका बच्चे की हमारे बच्चे की कहा सबके छोटा छोटा बच्चे है, यहाँ बहुत ज्यादा माहौल बचा हुआ है। विराट इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे दा, नमस्कार।